हमारे साथ शाहद एडवोकेट साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, वो हमें अपने एसएसपी के साथ जो उनके साथ मीटिंग टाइप आई उसके मुतालिक हमें बताएंगे, कॉम को बताएंगे। जी, हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है सारे जरावाला के हवाले से, उसकी जो लीडर टीम है उसकी मीटिंग एसएसपी में एप्लीकेशन से पुलिस लाइन में हमारी के साथ मीटिंग हुई थी, और सारे जरावाला के हवाले से जितने भी यहाँ जो पक्षकार थे, जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी में डिसाइड हुआ था कि कुछ जो मुलजमान है उस मुकदमात में उनको रिहा किया जा रहा है, उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, और जो मेन मुलजमान को पकड़ा नहीं जा रहा, तो ये सारे खदशात हम लेकर उनके पास लिए थे, और वहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अजमल साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, और वहाँ पे पहले से इस सिलसिला में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे फैसलाबाद में, तो वहाँ पे जितने भी जो GIDs हैं निशाना जरावाला के हवाले से बैठी थी, इसमें 22 मुकदमात जो दर्ज हुए हैं, जिसमें 5 जो है वो पुलिस की मुलियत में, और बाकी जो है वो जो प्राइवेट पर्सन हैं, पास्टर्स हैं और आम जो लोग हैं उनकी मुदीयत में दर्ज हुए थे। तो उन्होंने पहले हमें ब्रीफिंग दी है कि इस जो 22 मुकदमात हैं उनमें 10 के करीब जो GIDs बने हैं, जिनकी जो सरबराही है वो SP लेवल के जो अफसरान हैं पुलिस के, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं, और हर SP ने अपने अपने जो केस उनको दिए गए हैं, तकरीबन 3 से 4 केसेस जो हैं एक जो GID का मेम्बर है उसको वो देखते हैं, जिसमें SHO DSP भी शामिल है। तो उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि हमारे ये जो मुकदमात हैं, जो 22 मुकदमात हैं उसमें हमारी ये प्रोसीडिंग हुई है, हमने इतने मुलजमान पकड़े, और उन्होंने उस दिन हमें बताया कि तकरीबन 303 टोटल जो मुलजमान हैं उन्होंने गिरफ्तार किए हैं अभी तक के जितने भी 22 मुकदमात हैं। और जब हमने उनको बताया कि मुदयान जो है जितने भी जड़ावाले के हैं उनके कुछ कागजात हैं कि हम पुलिस को बताते हैं कि ये एक्यूज हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करवाते हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही, और कुछ तो हमारे ऐसे भी कुछ मुदयान थे कि इनको अपने IUs का भी नहीं पता था। ये सारी चीज़ें हमने SSP जो इन्वेस्टिगेशन थे उनके गोश गुजार की थी कि जो पुलिस जो है वो थोड़ी रिलक्टेंट है, उसको थोड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ मुदयान से मिलना चाहिए, और उनके जो खदशात हैं उनको जो थ्रेट्स मिल रही हैं कि जी आप इन केसेस में कॉम्प्रोमाइज करें और उनकी जान को खतरा है, और कुछ जो इलाके के बास लोग हैं वो उनको थ्रेट कर रहे हैं कि जी आप इसमें हलफनामा दें और इसमें आप कॉम्प्रोमाइज करें कि जी आप ने इधर ही रहना है तो हम आपको आपसे पूरी तरह पेश आएंगे। तो ये सारे खदशात जब हम उनके सामने पेश किए तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से तो सेट्स के हवाले से हमने जितने भी मुदयान हैं उनको ऑन पेज दिया हुआ, उनके लिए हमने स्पेशल ग्रुप बनाया जिसमें वो सारे आदमी खदशात की ओर जाते हैं। और ये जो डिस्चार्ज करने के हवाले से ये थी, हमने उनसे बताया कि हमारे हमें पुलिस का मुदयान का और जो लीगल टीम है इन तीनों लोगों को लूप में रखा जाए, ताकि अच्छे तरीके से जो प्रोसिक्यूशन है जो मुदयान का केस है और जो मुलजमान है उनकी अच्छे से आइडेंटिफिकेशन क्रिएट की जाए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें मर चुके हैं, वीडियो फुटेजेस भी मौजूद है जिसमें मुदयान ने उनको हाईलाइट किया हुआ कि ये हर मुकदमा में बंदे मुलविस है। तो ये सारी बातें हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी लीगल टीम है जॉइंट एक्शन कमेटी की, उनकी हम जो जितने भी GIDs के मेम्बरान हैं तकरीबन 10 के करीब मेम्बरान, उनके साथ हम उनकी तायब मुलाकात करवाएंगे, ताकि ये कोऑर्डिनेशन के साथ जो है फ्यूचर में जो बेहतर तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो सके, और जितने ज़्यादा और जितने भी एक्यूज हैं उनको कैफे करदाता।